सेल्फ एस्टीम अपलिफ्ट होती है जब बच्चे को टाइम दिया जाता है, बच्चे के साथ कनेक्ट हुआ जाता है, बच्चे को आई कॉन्टेक्ट दिया जाता है, बच्चे को वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन दिए जाते हैं, बच्चे के साथ फिजिकली इंगेज हुआ जाता है. मैं आजकल एक बुक पढ़ा रही हूँ, 5 Love Languages, अंग्रेजों की लिखी हुई है. वो यही कहते हैं कि ये काम ना करें. आप जिस भी एक्सपर्ट को सुनेंगे, दे विल नेवर एडवाइज यू दिस. तो जब आप सही काम करें, जैसे मुझे याद है मैं अपने बच्चों के लिए कभी फिजी ड्रिंक्स घर में नहीं लाती थी, रखती ही नहीं थी, किसी मेहमान को भी नहीं देती थी. अक्सर लोग रखते हैं, कहते हैं हम सिर्फ मेहमान को पिलाएंगे. मैं कहती हूँ तो मेहमान की भी इंसल्ट है, मैं उसको गंद पिलाऊं, बीमारियां उसको होंगी, फिर उसे नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, उसे काम नहीं किए जाएंगे नेकी के. देखिए ना, तैयब खाना ना हो तो उससे मसले होते हैं, तो मैं तो नहीं देती. मेरे बच्चे भी जब फिर किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, वहां पे 1 लीटर की बोतल पूरी पी जाएंगे इन वन गो. और मेरा कोई रिश्तेदार मुझे कहेगा कि तुमने अपने बच्चे को ना भूखा बना दिया है, नदीदा बना दिया है, तुम हालत देखो इसकी. उनके घर जाएंगे तो ब्लिंक भी नहीं करेंगे स्क्रीन के आगे. बट दैट्स ओके. देखिए, डिजायर्स तो हैं हमारे, नफ्स भी कमजोर है, शैतान भी हमें कहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं रोज उनको वो फिजी ड्रिंक पिलाऊं ताकि वो नदीदे ना हो. तो मैं उनको जूस की ऑप्शन दे दूंगी, लेमनेड की ऑप्शन दे दूंगी, यू नो स्मूदी बना दूंगी. आई विल ऑलवेज गिव देम अ बेटर ऑप्शन. बच्चे करते हैं, बच्चे वो इम्पैक्ट लेते हैं. जब आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर, हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे पास अब बहुत ही यंग मदर्स आ रही हैं, यानी कि यंग मैरिड कपल्स हैं, वो आते हैं तो लड़कियां यही कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो सारी सारी रात जागने की उनको आदत है. तो आप कोई ना कोई पॉइंट पकड़ें, इमीडिएट नहीं एकदम लेक्चर देना शुरू कर दें, रिलेशनशिप बिल्ड करके कोई ना कोई पॉइंट पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता, इट माइट टेक यू 10 years, लेकिन आप हेल्दी ऑप्शंस पे जाएं. तो ओवरनाइट आप टॉपल नहीं करते, लेकिन आपका माइंडसेट अगर होगा, वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना, गोल सेट होगा कि वन फाइन डे व्हेन आई वेक अप ये कुछ ठीक हो रहा होगा, तो फिर आप उसके लिए ग्रेजुअली कोई ना कोई स्टेप्स बनाते जाते हैं. हम तो अगर ये भी कहते थे मेरा मूड खराब है, एक चपेड़ आती थी इसीलिए मूड उड़ के जाता था कहीं. अब तो अगर मूड खराब है और आपने कुछ कह दिया तो सेल्फ हार्म है और सुसाइडल अटेम्प्ट है. जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो हर दौर में बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने भी किए हैं, हमें भूल गया, हमें नहीं याद, लेकिन हमने अपनी एज के मुताबिक बहुत सारे तजर्बे किए हुए हैं. तो बच्चे भी आजकल के दौर में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि दे आर नॉट बैड किड्स, दे जस्ट वॉन्ट टू लर्न, इट्स देयर प्रोसेस ऑफ लर्निंग. उसमें ना वो ग्रेजुअली ये चीज़ डिवेलप करते हैं, फिर से हम कहते हैं ना कुरान की ज़ुबान में फुरकान, वो गलतियाँ करते हैं, वो ठोकरें खाते हैं. हमें ना उस वक्त उनको मुजरिम नहीं बनाना, ये बात याद रखें. मैंने मदर्स को देखा इतने पैनिक में, बच्चे ने झूठ बोलना ही बोलना है. तो बच्चा झूठ बोलता है तो पैनिक में ना आए, हम उससे बात ज़रूर करें कि आपने झूठ बोला है, ये चीज़ ठीक नहीं है और इसको ऐसे ठीक करो. ओके, बच्चे ने सोशल मीडिया पर जाना है तो गड़बड़ें करनी ही करनी है, तो आप उनसे बात करते रहें. आप हमेशा, मैं हमेशा इस तरह सोचती हूँ कि वो इस वक्त आंधी तूफान में घिरे हुए हैं, जैसे एक बोट में बैठे हुए हैं और वो समुंदर के दरमियान में हैं और वो बहुत परेशान हो गए. अब उन्होंने एक स्टेप उठा लिया, उन्हें समझ नहीं आ रहा. मैंने उनको सिखाना है कि इस बोट को साहिल पे कैसे लाना है, और उसमें लग जाएंगे कोई 7-8 साल. जब तक वो 20-21 साल के होंगे, वो उनके हार्मोन सेटल होंगे, वो वहाँ पे सेल कर लेंगे, इंशाल्लाह करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट. गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, उनको बताना है लेकिन लेक्चरबाजी नहीं करनी, और हर वक्त उनको मुजरिम नहीं बनाना, हर वक्त उनको कटहरे में नहीं खड़ा करना. यानी आप उनको कह सकते हैं, मेरा भी बच्चा कोई गलत काम करे, मैं उसे बताती हूँ कि आपने जो किया है ये अप्रोप्रिएट नहीं है और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ. उनके पास कोई जवाब इतना नहीं होता, और फिर वो कस्में वादे खाते हैं कि हम आइंदा नहीं करेंगे, हमें शर्मिंदगी हो रही. क्योंकि जब उनको लगता है माँ चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, तो उनको शर्मिंदगी होती है. और मुझे पक्का पता होता है कि ये कोई 2-3 महीने बाद फिर कुछ होना है. तो मैं अपने आप को बताती हूँ कि ठीक है, उनको नहीं मैं कहती, लेकिन मैं उनको एक प्रेशर पे ही रखती हूँ कि भाई उनको फिक्र हो कि हमने गलत काम नहीं करना. उनसे डिस्कशन करते रहना. एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है उनका कुरान से ताल्लुक़.
यानी सारा दिन आप उन्हें बताएं ये हलाल है, ये हराम है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ना करें, लेकिन आप उनको ये ज़रूर बताएं कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह ताला के साथ हमने अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, और बीइंग मुस्लिम्स हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे जो है लोगों के साथ अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है और हमने सही फैसले करने हैं। तो कुरान की कोई क्लास ज़रूर होनी चाहिए जिसमें बच्चे जाएं। मैंने अपने बच्चों के साथ जब भी काम किया मैंने यही किया, कुरान की क्लास में ज़रूर जाएं। दूसरा, हम नहीं बच्चों को दीन पे रख सकते, किसने रखना है दीन पे? दुआएं। और दूसरी बात ये, हमारे बच्चों के चैलेंजेस शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम आवर ग्रोथ। कि मैं इतनी बीमार हो गई हूँ, इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ कि अब मैंने अपना दर्स छोड़ दिया, मैंने अपना खाना छोड़ दिया, मैंने अपनी वो जो सेल्फ केयर की बात थी वो छोड़ दी, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मुझे अपने सारे काम करने हैं। एक दफ़ा वो जो एक वाक्या है ना कि एक माँ किसी स्कॉलर के पास गई और उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना वो खाना नहीं खाता। तो स्कॉलर ने क्या कहा था, जो भूखा बच्चा कहीं पे नजर आता है उसको खाना खिलाओ, तुम्हारा बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। तो मुझे जब लगता है कि मेरा बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है कि वहाँ पे मैं किसी को बताती हूँ, वहाँ वो बच्चे इतना काम कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं मेरी बात, तो मैं वहाँ जाके बता देती हूँ। मैं तो ये कॉम्प्लेक्स लेती ही नहीं हूँ कि अच्छा जी इनका बच्चा इनकी बच्ची क्या कर रही है, मैं वहाँ जाके सारी बातें उनको सिखाती हूँ अच्छी तरह। क्या आप उसको थ्रू आउट जब वो नमाज पढ़ रहा था वो किसी रेगुलर वीकली कुरान क्लास में जाता था? शुरू में ज्वाइन किया था, कुछ अर्सा का कुरान क्लास नहीं आ रहा ना, बस ये कुरान से जब तक ताल्लुक नहीं होगा। देखिए अब जगह जगह दर्स हो रहे हैं, जगह जगह दर्स हो रहे हैं, लेकिन हम अपने यूथ को इंगेज नहीं करते। मेरे पास अलहुदा का प्रोग्राम है हमारे बच्चे के नाम से, मैं उसको हेड करती हूँ, और हमारे पास 2 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे आते हैं। और मैंने पता है क्या देखा है, जब छोटे बच्चे हैं ना, माँ बाप को उनकी पढ़ाई की इतनी फिक्र नहीं होती ना, तो उनको वीकली क्लास में लाते हैं, समर कैंप में भी लाते हैं। जैसे ही बच्चा प्री ओ लेवल में आता है, अभी वो माँ बाप की बात सुन रहा होता है। अब पता है पहली बात माँ बाप क्या कहते हैं जब मैं उनको कहती हूँ इस क्लास में लाओ, पहली बात कहते हैं इसकी एकेडमी है, ये बच्चों का मसला नहीं है, पेरेंट्स का मसला है। मैंने इस पर पूरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ है, और मैंने ये देखा है कि जैसे ही बच्चे होते हैं 10 साल के, तब तक माँ बाप को लगता है बड़ा अच्छा दीन सीख लिया, कुरान पढ़ लिया, अब जी इनकी पढ़ाई पे तवज्जो दो, अब जी इनके करियर है। बाद में वही माँ बाप रोते हैं। आपने देखे बच्चे के ऊपर एक जिसकी नबज पे हाथ रखना होता है। मैं हर माँ को कहती हूँ जो हम पीछे पड़े रहते हैं ना, ये क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, 1500 इंस्ट्रक्शन हमारी जो होती है ना, सब कुछ छोड़ दें। कहते रहे हल्का कर, नमाज पढ़ो बेटा, ये ना करो, ऐसे बस छोटे छोटे, असल क्या कुरान की क्लास में जाओ, अल्लाह के कला। और ये नहीं कहना मैं चाहती हूँ तुम कुरान पढ़ो ताकि तुम्हारी नमाजें ठीक हो जाएं। कुरान इसलिए कि हम मुसलमान हैं, जैसे हम अपनी बाकी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं कुरान वंस अ वीक पढ़ना है, चाहे रोएं, चाहे उसमें हार्ट अटैक शो करें, जो भी करें, इमोशनल मैनिपुलेट करें कि बस तुमने ये जाना है। तो बच्चा आपको बेशक कहे, अब कई बच्चे पेरेंट्स को ऐसे कहते हैं कि मैं तो अल्लाह की खातिर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम कहते हैं नहीं फिर ना करो, क्यों को करो, ठीक है मेरी खातिर करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ये भी बहुत अहम सवाल है कि हम लोगों के सामने तो सब्र कर लेते हैं लेकिन अंदर से जलते कुड़ते रहते हैं, इसका क्या करें? इसलिए कि हमने सब्र को समझा नहीं है। सब्र में जैसे 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है कि आपने नेकियाँ नहीं छोड़नी कुछ भी हो जाए, एक होता है कि आपने बुराई नहीं करनी कुछ भी हो जाए, और तीसरा काम आपका इमोशनल कंट्रोल सही होना चाहिए।
तो मसलन फर्ज करें ना आप हर्ट हुए हैं, तो आप गूगल करके ही देख लें कि अगर हर्ट होता है इंसान तो उसको क्या करना चाहिए। मसलन आप देख लें कि आपको आता है कि किसी ने मुझे मिस यूज कर लिया, तो गूगल करके पढ़ लेना कि जब कोई मिस यूज करे तो क्या करना चाहिए। हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो वो अंदर हमारे टॉक्सिसिटी जमा होती रहती है, हमें उसको निकालना नहीं आता। तो इसको वही जो मैंने शुरू में बात की थी ना, स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। स्किल बेस्ड लर्निंग के बगैर जब आप बोल रहे हैं कि मैं सबर कर रही हूँ, दैट्स ओनली अ लिप सर्विस। ठीक है, देखिए सहाबा इकराम क्या करते थे, रात को सबको माफ़ करके सोते थे। हम कहते हैं ठीक है मैं चुप रही हूँ, उनके सामने मैं माफ़ नहीं कर सकती, तो फिर सीखे माफ़ कैसे करना होता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.